स्वागत है आप सभी का MS सेमेस्टर 2 के पेपर इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और आज का इसमें हमारा पढ़ने का टॉपिक है लोक प्रशासन की भूमिका, रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जब हम रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो उससे पहले हमने ये जाना था कि लोक प्रशासन है क्या। लोक प्रशासन में लोक शब्द जहाँ पब्लिक के बारे में या सरकार के बारे में बात करता है, प्रशासन एक ऐसी व्यवस्था के बारे में बात करता है जो कि लोगों के लिए बहुत सी सेवाएं, लोगों के लिए बहुत सी कल्याणकारी व्यवस्थाएं करने के लिए उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए लोक प्रशासन की समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और यह भूमिका किस पे निर्भर करती है, इसके बारे में कुछ राय है। जब हम बात करते हैं कि लोक प्रशासन की समाज में भूमिका क्या है, तो हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि हमारा जो समाज है वह एक जैसा नहीं है। हमारे समाज में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे कि अगर आप इसको देशों के परिप्रेक्ष्य में ही लो, तो कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ देश हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, और इनके बीच में कुछ ऐसे देश हैं जो डेवलपिंग हैं। तो इस तरीके से इन देशों के अलग अलग समाज हैं और इनके समाज में रहने वाले नागरिकों की आवश्यकता अलग अलग है। जैसे हमारे यहाँ हमें फ्री के टीकाकरण या फ्री की दवाइयाँ या फ्री का मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, तो जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लोग इसके ऊपर खर्च भी करते हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ हर चीज़ फ्री होनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर बहुत हाई है, तो वो बहुत ही महंगे दवाइयाँ और बहुत ही महंगी मेडिकल फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। वैसे ही कुछ ऐसे देश हैं जो बहुत गरीब हैं, वहाँ पे सरकारों को इनिशिएट लेना पड़ता है और प्रशासन को छोटी से छोटी सेवा भी उपलब्ध कराने का प्रयास करना पड़ता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल इत्यादि चीज़ें सरकार खुद प्रोवाइड करवाती है, खाना। तो इस प्रकार लोक प्रशासन की जो भूमिका है अलग अलग समाज में अलग अलग प्रकार से होती है। तो अगर आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जाया जाए तो सिलेबस में आपको लोक प्रशासन की भूमिका पूछा जाएगा विकासशील देशों के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ज़्यादा विकासशील देशों की जो लोक प्रशासन है, वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, उसका जो काम है उसको मोर और लेस उससे थोड़ा बहुत जो विकसित और अविकसित कंट्रीज़ हैं उससे थोड़ा बहुत ही आपको लगेगा कि ऊपर नीचे है। लेकिन पेपर में आपको लोक प्रशासन की भूमिका पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा विकासशील देशों के परिप्रेक्ष्य में। तो हम यहाँ पे एक बीच का रास्ता लेते हुए जो मोटा मोटी चीज़ें हैं जो लोक प्रशासन को किसी भी प्रकार के समाज में कार्य करने के लिए ज़रूरी है, जो भूमिका समझी जाती है, हम उसको समझेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम ये समझते हुए कि किसी भी राज्य में लोक प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये हमने समझ लिया। लोक प्रशासन बहुत सी लोक सेवाओं को उपलब्ध कराने और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी भूमिका में बदलाव भी लाता रहता है। जैसे कभी लोक प्रशासन अपने आप में सुधार लाता है और कभी लोक प्रशासन सोसाइटी में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करके कार्य करता है। तो लोक प्रशासन की भूमिका को हमें बिंदुवार एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो लिखना है, जिसके अंदर सबसे पहला बिंदु है कि सरकारी नीतियों को लागू करना। अब जितनी भी सरकारी नीतियाँ बनती हैं जो सिस्टम में बहुत हाई लेवल पे बनती है, उन नीतियों को लागू करने के लिए इसको काम करना होता है। जैसे कि आपका सिस्टम है, इसमें बहुत हाई पॉइंट पे यहाँ पे आपका प्लानिंग कमीशन है, इसने बहुत सारी नीतियाँ बनाई हैं, तो ये नीतियों को नीचे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? प्रशासन के जो इकाइयाँ हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो बहुत सारे ऐसे विचार, बहुत सारी ऐसी इच्छाएं जो हमारी राजनीतिक इकाइयों की होती है, उनको जो सही मायने में कौन इम्प्लीमेंट करता है, तो वह है प्रशासन। तो प्रशासन की भूमिका है नीतियों को लागू करवाने में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर। उसके बाद है लोक सेवाओं को उपलब्ध करवाना। जैसा कि हमने देखा कि लोक सेवाएं जो होती हैं, जैसे कि बिजली, पानी, शिक्षा और बेसिक फैसिलिटीज़, ये चीज़ें जो हैं जो लोक सेवाओं में आती हैं, जो कि बहुत ही एसेंशियल सर्विसेज हैं,
इन सेवाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य मेन जो है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इन सेवाओं को सही मायने में और ग्राउंड लेवल पे उपलब्ध करवाता है। सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, तो जो हमारा लोक प्रशासन है वो बहुत ही सामाजिक आर्थिक विकास, तो सामाजिक आर्थिक विकास को आप ऐसे समझिए कि जब हमने योजना आयोग की शुरुआत की थी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमने अपने देश के जो आर्थिक ढांचे को या विकास के ढांचे को अपनाया था, तो हमने सामाजिक आर्थिक विकास के ढांचे को अपनाया था। तो इसके कारण हमारे यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका मेन जो रोल है वो सामाजिक परिवर्तन करना है, ताकि समाज में जो परिवर्तन है वो अच्छे परिप्रेक्ष्य में हो, जो बुरी कुरीतियाँ हैं, बुरे प्रैक्टिसेस हैं वो दूर हो और सोसाइटी डेवलपिंग सोसाइटी की तरफ अग्रसित हो, हमारा जो सोसाइटी है वो विकसित और विकसित देशों के बराबर खड़ी हो सके। तो इस तरीके से समाज की जो खराब चीज़ें हैं उनको दूर करना हमारे प्रशासन के हाथ में है। और आर्थिक विकास कैसे प्रोत्साहित होगा, आर्थिक गतिविधियों को बहुत प्रोत्साहन देके, रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर, इस तरीके से आर्थिक विकास को प्रमोट करने का काम भी हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन करती है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे शांति और भाईचारा बनाए रखने में। तो ये तो आप इसके पॉइंट से ही समझ जा रहे हैं कि जो पुलिस का काम क्या होता है। पुलिस जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, पुलिस का काम होता है कि वह समाज में, राज्य में शांति बनाए रखती है और कम्युनल और किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होने देती। और कहीं पे पहले से अगर पुलिस को अंदेशा हो कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था खराब हो सकती है, तो पुलिस का काम होता है समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखना, कानून व्यवस्था को लागू करवाना, ताकि सब लोग अपने अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके और अपने अपने कर्तव्यों की पूर्ति आसानी से कर सके। फिर नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार की सेवाओं के सुधार करने में। लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण दायित्व ये है कि जो बहुत सी लोक सेवाएं हैं जिनका हमने पीछे जिक्र किया था, उन सारी सेवाओं को और अधिक इम्प्रूव करना, जैसे कि समय से वो सुविधाएं मिले, उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो, उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो टाइम से हो, वो सारी सुविधाएं हैं वो इफ़ेक्टिव या प्रभावशाली रूप से मिले, उनकी एफिशिएंसी, उनकी कुशलता दक्षता अधिक हो और वो बहुत ही आसानी से जनता तक पहुंच जाए। तो सर्विस डिलीवरीज को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करना और इनको सुधारना, ये मेन काम जो होता है ये हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही होता है, ताकि जो हमारे नागरिक हैं वो अपने सारे जो कर्तव्य हैं उनकी पूर्ति आसानी से करें और उनको उनके जो अधिकार हैं वो भी मिल जाएं। अगला है निजी क्षेत्र का नियंत्रण व निर्देशन करने में। हमारा प्रशासन जो है वो निजी क्षेत्र की बहुत सी कंपनियां, उद्योग और इस प्रकार के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ताकि जो राज्य की बहुत सारी नीतियां हैं और राज्य के बहुत सारे उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति में सहयोग मिल सके। इसको आप ऐसे समझेंगे जैसे स्टेट को लोगों को कम कीमत पे खाद्य पदार्थों की उपलब्धता करवाना है, तो कोई एक ऐसी कंपनी जो बहुत हाई रेट पे खाद्य पदार्थ को बेच रही होगी तो उसको सरकार रेगुलेट करेगी कि आप अपने प्राइसेस को सरकारी प्राइसेस के साथ कोप करके रखिए, बराबर करके रखिए, ताकि सब लोग उस सेवा की उपलब्धता को प्राप्त कर सके। तो इस तरीके से निजी क्षेत्र अगर किसी सेवा के पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहा है, जैसे हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा हाई फीसेस अगर ली जा रही है या स्कूल्स में फीसें ली जा रही है, तो उस क्षेत्र में जो सरकार है वो, प्रशासन है वो इंटरवीन करता है और उसको जनता की पहुँच के दायरे में लाने का प्रयास करता है। उसके बाद है आम नागरिकों के हितों की रक्षा करना। तो
जो आम जनता है जो अपने हितों के लिए खुद प्रयास नहीं कर सकते हैं, तो उनके हितों की रक्षा करना हमारे प्रशासन के हाथ में होता है, ताकि बहुत सारी कानूनी बाध्यताएं और बहुत सारी जो कानूनी दावपेच हैं वो व्यक्ति के विकास में बाधक बनने की बजाय साधक बने। अगला है वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। तो समाज में नई नई तकनीकों को लेके आना और प्रशासन में नवीन तकनीकों और वैज्ञानिक नवाचारों के माध्यम से एडवांसमेंट लाना, यह जो कार्य है ये प्रशासन करता है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए, जो ई गवर्नेंस आया है, यानी हमने अपने प्रशासन की बहुत सारी चीज़ों को डेटाबेस बना लिया है, इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है, डिजिटल सिग्नेचर आ गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अब इंटरनेट के माध्यम से हो जाती है। तो टेक्निक के आने से जो प्रशासन है वो ना केवल तीव्र और आसान हुआ है, बल्कि नागरिकों के लिए भी ये बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाला बन गया है। उसके बाद है आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ये आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक प्लानिंग है यानी आर्थिक नियोजन है, वह केंद्रीकृत है। तो केंद्रीकृत होने का मतलब पूरे देश के लिए एक ऐसी संस्था है जो पूरे देश के लिए नीतियाँ बनाता है, तो वो है नीति आयोग। तो उसके लिए हमें बहुत बड़ी संख्या में एक प्रशासनिक मशीनरी की आवश्यकता होती है, जो कि योजनाओं का निर्माण करती है, उनको इम्प्लीमेंट करती है, उनकी देखरेख करती है, और उसके बाद में उन योजनाओं को किस तरीके से आगे ले जाना है, उन सभी चीज़ों का जो पूरा कंट्रोल है वो प्रशासन के ही हाथ में होता है। तो प्रशासन की यहाँ पे एक बहुत बड़ी भूमिका निकल के आती है कि वो पूरे देश के आर्थिक रूप से योजनाओं को बनाने का और उनके इम्प्लीमेंटेशन की भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान करती है। तो ये 9 पॉइंट्स थे जिसमें हमने देखा कि लोक प्रशासन की समाज में भूमिका क्या है। तो ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को समझेंगे और इन दोनों के मध्य जो अंतर है उसको जानने का प्रयास करेंगे। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।